हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक मधु का। दोस्तों मेरा नाम है शिवा, आज आपसे मैं बात करूंगा रियलमी 8 के बारे में। दोस्तों बताना चाहूंगा कि रियलमी 8 के सारे स्पेक्स लीक हो चुके हैं कि क्या कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, और काफी डिटेल में मैं एक तरीके से बताऊंगा इन स्पेक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वहीं अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहीं अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान को एक बेटर डिस्प्ले चाहिए। तो इसमें आपको डिस्प्ले काफी बेटर देखने के लिए मिलेगा। 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले फ्रेंड्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये रियलमी ने एक तरीके से काफी अच्छा काम करा है कि इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता भी हूँ कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अपने ही अलग एक बेनिफिट है, इसीलिए आपको एक तरीके से बेटर लगती है। कलर कॉन्ट्रास्ट लेवल आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल जाता है, ट्रू लाइफ आपको कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। और वहीं अगर बात करें इसकी अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो वो भी इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल रहा है। 90.8 का इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि जब भी आपको वीडियो देखते हो या जो भी है, मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको काफी बेटर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर इसके ब्राइटनेस अगर निट्स की बात करें तो वो भी आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल रहे हैं। 1000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक तरीके से काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। यानी इनडोर और आउटडोर कंडीशन में आपको डिस्प्ले काफी अच्छे तरीके से विजुअल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑल ओवर अगर डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। वहीं अब हम बात करेंगे इसके कैमरे सेटअप के बारे में। तो दोस्तों रियलमी की जो प्रीवियस जनरेशन थी रियलमी 7, उसके अंदर जो आपको कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा था, सेम कैमरा सेटअप इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। इसका सेटअप कुछ इस तरीके से होगा, फर्स्ट जो कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा मतलब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस कर दिया है। रियलमी 7 में जो आपको अपर्चर वैल्यू देखने के लिए मिलती थी 1.8 थी, लेकिन यहाँ कम कर दिए दोस्तों, 1.79 की अपर्चर वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक तरीके से काफी बेटर है। यानी लो लाइट कंडीशन में आपको काफी बेटर एक तरीके से फोटोग्राफी प्रोवाइड करा देगा रियलमी 8। वहीं अगर सेकंड अगर कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि क्या 119 डिग्री तक की आप अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो और वीडियो एक तरीके से दोनों ही कैप्चर कर सकते हो। वही 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको मैक्रो लेंस देखने के लिए मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलेगा फ्रंट। वही अब हम बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरे के बारे में। तो फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी बेटर है। तो अगर कैमरे सेटअप की अगर बात करूँ, इसमें काफी ठीक देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड। वही अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको प्रोसेसर प्रीवियस जनरेशन का सेम मिल जाएगा जो रियलमी 7 के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, रियलमी 7 में जो आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा था, G95 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा था, वही सेम प्रोसेसर यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी प्रोसेसर के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। जिसके अगर क्लॉक स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 2.05 ऑक्टा कोर की स्पीड के साथ होगा, जो कि अगर देखो इस प्रोसेसर की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफी एक तरीके से बेटर है फ्रेंड्स। वही अगर GPU की बात करें तो इसमें माली का GPU यूज हुआ है G76, तो एक तरीके से काफी बेटर है। जैसे कि अगर आपको इसमें अगर प्रोसेसर में अगर गेमिंग अगर करनी है तो काफी एक तरीके से अच्छे तरीके से आप गेमिंग कर सकते हो फ्रेंड। तो ये गेमिंग प्रोसेसर है, काफी बेटर है फ्रेंड। वही अब हम बात करेंगे इसकी बैटरी के बारे में। अगर बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी भी इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए मिलेगी। बैटरी जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि 5000 mAh बैटरी होने के बाद भी इसका वेट एक तरीके से काफी लाइट है। 177 ग्राम का इसमें आपको वेट देखने के लिए मिलेगा। तो रियलमी ने इसे कहा है सुपर स्लिम फोन, क्योंकि 5000 mAh बैटरी और उसके बाद ये काफी हल्का कर रखा है। आपने देखा होगा 5000 mAh की बैटरी के जो फोन होते हैं वो 200 ग्राम के होते हैं, 195 ग्राम के होते हैं। ये 177 ग्राम का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल रही है। वहीं अब बात करेंगे इसके चार्जिंग स्पीड की, चार्जिंग स्पीड भी आपको इसमें काफी बेटर देखने के लिए मिलेगी। 30 वॉट का इसमें आपको डार्ट चार्जर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी एक तरीके से काफी अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने के लिए फ्रेंड्स मिल रहा है, तो काफी एक तरीके से बेटर है। वहीं अगर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस एक तरीके से दोस्तों लीक नहीं हुए, क्योंकि 24th of March को इसकी फ्रेंड्स लॉन्चिंग है, तभी माधव सेठ जी या रियलमी टीम इसके प्राइस अनाउंस करेगी फ्रेंड्स। तो कैसे लगे दोस्तों ये आपको स्पेक्स, और कैसी लगी आपको वीडियो? अगर दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं सबसे पहले आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियां लेकर आता रहता हूँ फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।